हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। और फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशोक चौरसिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, या पीरियोडिक टेबल में कितने उपधात होते हैं, कितने धात होते हैं या कितने अधात होते हैं, या फ्रेंड्स ये भी बताएंगे आपको कि कौन सी हल्की अक्रिय गैस है। तो फ्रेंड्स, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त पीरियड की संख्या कितनी होती है। फ्रेंड्स, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें पीरियड की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 7। तो फ्रेंड्स देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त, जिसे पीरियड भी बोलते हैं, इसकी संख्या होती है 7, जो कि फ्रेंड्स आप लोग इस वॉलपेपर में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह, जिसे इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, इसकी संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 18। तो फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह, जिसे इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, इसकी संख्या 18 है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि समूह को वर्ग भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए फिर हम आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा देते हैं कि किसे आवर्त कहते हैं और किसे समूह या वर्ग कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस पीरियोडिक टेबल में जो है ये जो टॉप से बॉटम एलिमेंट है ये फ्रेंड्स आपके आवर्त कहलाते हैं, और फ्रेंड्स जो लेफ्ट से राइट है ये आपके वर्ग या समूह कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्रुप भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पीरियोडिक टेबल में किसे आवर्त कहते हैं और किसे समूह या वर्ग कहते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किसको माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मेंडलीफ। तो फ्रेंड्स देखिए, जो तत्वों की आवर्त सारणी का जनक है ये मेंडलीफ को कहा जाता है। फिर आए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर है कि किस वैज्ञानिक ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डोवे राइनर। तो फ्रेंड्स डोवे राइनर जो है ये ऐसे पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले करने का प्रयास किया था। फिर आए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव है कि किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मेंडलीफ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेंडलीफ जो है ये आवर्त सारणी का सबसे पहले इन्होंने निर्माण किया था। तो फिर आए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर होगा हीलियम, जिसका फ्रेंड्स सिंबल होता है HE। तो फ्रेंड्स सबसे हल्की अक्रिय गैस जो है हीलियम है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अक्रिय गैस को जो है नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे हल्की अक्रिय गैस जो है हीलियम है। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेवन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। फ्रेंड्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कितने एलिमेंट्स है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 118 तत्व है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है इस वॉलपेपर में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 118 तत्व है। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 18वें समूह में। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें नोबल गैस जो है 18वें समूह में आते हैं, जो कि आप लोग इस वॉलपेपर में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इस समूह में जो है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान एलिमेंट आते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आवर्त 6। तो फ्रेंड्स देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा जो एलिमेंट है ये आवर्त नंबर 6 है, जो कि फ्रेंड्स आप लोग इस वॉलपेपर में देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है 56 तक जो है एलिमेंट है, उसके बाद जो 57 से स्टार्टिंग है ये एफ ब्लॉक में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए जो है आवर्त 6 को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा पीरियड कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है कि आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त 6 में कितने तत्व पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 32 एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका सबसे बड़ा आवर्त है आवर्त नंबर 6, और फ्रेंड्स इसमें जो है कुल 32 तत्व पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन है सब आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आवर्त नंबर 1, जो कि फ्रेंड्स आप लोग इस वॉलपेपर में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम केवल 2 एलिमेंट ही आते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त है आवर्त नंबर 1, और आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है आवर्त नंबर 6, जिसमें जो है 32 एलिमेंट्स आते हैं। फिर फ्रेंड्स आए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स जो कि आप लोग इस वॉलपेपर में भी देख सकते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। फिर फ्रेंड्स आए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हैलोजन समूह। तो फ्रेंड्स देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो 17वां समूह है इसे हैलोजन समूह के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स इसमें जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन आते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर होगा परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो फ्रेंड्स देखिए परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व हैं ये परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग इस पीरियोडिक टेबल में समझ सकते हैं कि देखिए फ्रेंड्स ये जो हाइड्रोजन के ऊपर 1 लिखा है और हीलियम के ऊपर 2 लिखा है और लिथियम के ऊपर जो है 3 लिखा है। तो फ्रेंड्स ये सब जो है ये परमाणु क्रमांक है। तो फ्रेंड्स देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5। तो फ्रेंड्स ये जिस भी टाइप में ये रखे गए हैं ये जो है परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग जो है रखे गए हैं। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा लिथियम, और इसका सिंबल होता है Li, जो कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु कौन सा है। तो इसका आंसर होगा लिथियम। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हमने अपने इसी चैनल पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं फ्रेंड्स इनको जो है आप लोग एक एक ग्रुप के एलिमेंट को ट्रिकी मेथड से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आइए इसका एक रिव्यू दे देते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स जैसे आपको पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट को याद करना है, कार्बन फैमिली के एलिमेंट को, तो आप लोग जो है इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कार्तिक, शिव, गणेश, शंख, पार्वती। तो फ्रेंड्स देखिए कार्तिक से हो गया कार्बन, शिव से हो गया सिलिकॉन, गणेश से हो गया जर्मेनियम और शंख से हो गया टीन, और फ्रेंड्स पार्वती से हो गया लेड। तो फ्रेंड्स इस जो वीडियो में जो है आप लोग इसका थंबनेल देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है हमने पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं इसमें जो है जितने भी ग्रुप के एलिमेंट हैं इनको हमने याद करने का ट्रिक बताया है। फ्रेंड्स जितने भी 118 एलिमेंट है सबको याद करने का ट्रिक जो है हमने इस वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, और आप लोग जो है हमारे चैनल पर विजिट करके भी इसे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स हम गारंटी के साथ कहते हैं कि एक बार देखने के बाद जो है आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स फिर आइए आपको ये भी बता देते हैं कि हमने इसी वीडियो में पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 17 जिसे हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं अगर इसके एलिमेंट को याद करना है तो हमने जो है इस वीडियो में ऐसे बताया है कि फिर कल बाहर आई आंटी। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है इसके माध्यम से जो है इसे आसानी से याद कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर जाकर देखिएगा। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है कि हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 7। तो हैलोजन समूह में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होता है। फिर आए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि हैलोजन समूह की संयोजकता जिसे इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं
कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1। तो हाइलोजन समूह की जो संयोजकता होती है 1 होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है कि आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वर्ग, जिसे इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, और फ्रेंड्स इनकी कुल संख्या 18 होती है। तो फ्रेंड्स जो आवर्त सारणी है इसमें जो टॉप से बॉटम होते हैं यही आपके वर्ग होते हैं, और फ्रेंड्स इनकी जो कुल संख्या होती है 18 होती है। तो फ्रेंड्स फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को, जिन्हें इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कॉलम बोलते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आवर्त, जिसे इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, और फ्रेंड्स इनकी कुल संख्या 7 होती है। तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज स्तंभ में होते हैं इन्हें आवर्त कहा जाता है। फिर फ्रेंड्स आए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स देखिए हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन, जिसका सिंबल होता है F। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु का नाम है फ्लोरीन। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन से अधातु में चमक होती है? तो इसका आंसर होगा हीरा। तो फ्रेंड्स देखिए डायमंड एक ऐसा इकलौता अधातु है जिसमें चमक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आर्गन। तो फ्रेंड्स देखिए जो आर्गन होता है ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस है, और फ्रेंड्स अक्रिय गैस को इंग्लिश में नोबेल गैस भी कहा जाता है। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है कि अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 0। तो अक्रिय गैस में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 0 होती है। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अगनसन। तो फ्रेंड्स इसका जो सिंबल होता है ओजी। तो देखिए फ्रेंड्स जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें एक नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है जिसका नाम है अगनसन, जिसका सिंबल होता है ओजी। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑस्मियम, और फ्रेंड्स इसका जो सिंबल होता है ओएस होता है। तो फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु का नाम है ऑस्मियम, जिसका सिंबल होता है ओएस। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 11। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 10-12 बार पूछा गया है कि आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा 11। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हमने अपने इसी चैनल पर इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाया है कि एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में जितने भी 118 एलिमेंट हैं, एक एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को हमने ट्रिकी मेथड से याद करने का वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स इसको जो है हमने 2 पार्ट में बनाया है, तो इसका थंबनेल जो है यही है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। फिर फ्रेंड्स आए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 7। तो देखिए फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी में जो नोबेल गैस की संख्या है 7 है। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस है इनकी संख्या कुल 7 है, जो कि इस प्रकार है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, और फ्रेंड्स एक और अक्रिय गैस जो है पीरियोडिक टेबल में जोड़ा गया जिसका नाम है अगनसन, जिसका सिंबल होता है ओजी। तो फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस है इनके नाम इसी प्रकार है। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 11। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 होता है।
तो फ्रेंड्स फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस धातु को सफेद सोना भी कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम को। तो देखिए फ्रेंड्स जो प्लेटिनम है इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन है सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, या फ्रेंड्स इसी में से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर फ्रेंड्स आए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस तत्व को काला अधातु कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको बता दें इसका आंसर होगा ग्रेफाइट को। तो फ्रेंड्स देखिए ग्रेफाइट को जो है काला अधातु कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि सूर्य और तारों में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। और फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन जो है ये सूर्य और तारों में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व है। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो इसका आंसर होगा 1। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन सा है, तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आवर्त सारणी में सबसे चमकदार जो धातु है इसका नाम है प्लेटिनम। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस अक्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए नया होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आर्गन। तो फ्रेंड्स देखिए आर्गन जो है एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसका प्रयोग जो है विद्युत बल्ब में किया जाता है, और फ्रेंड्स इसका सिंबल होता है AR। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर होगा थोरियम, जिसका सिंबल होता है TH। तो फ्रेंड्स थोरियम जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व है। फिर फ्रेंड्स आए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है कि थोरियम के अयस्क का क्या नाम होता है, तो इसका आंसर होगा मोनाजाइट। तो फ्रेंड्स जो थोरियम होता है जिसका सिंबल होता है TH, इसके अयस्क का नाम है मोनाजाइट। फिर फ्रेंड्स को आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 है कि यूरेनियम जिसका सिंबल होता है U, तो फ्रेंड्स यूरेनियम के अयस्क का क्या नाम होता है, तो इसका आंसर होगा पिच ब्लेंड। तो फ्रेंड्स जो यूरेनियम होता है इसके अयस्क का नाम है पिच ब्लेंड। तो फ्रेंड्स फिर आया क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन है। तो फ्रेंड्स ये जो हाइड्रोजन होता है इस गैस का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप लोग इस क्वेश्चन को याद करके एग्जाम में जाते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटेगा ना ही गलत होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 है कि आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन, जिसका सिंबल होता है F। तो फ्रेंड्स जो आवर्त सारणी है इसमें सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम है फ्लोरीन, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हमने अपने इसी चैनल पर पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं इनके एटॉमिक नंबर को हमने ट्रिकी मेथड से याद करने का वीडियो बनाया है, और फ्रेंड्स हमने जो है इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाया है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं इनके नाम को ट्रिकी मेथड से याद करने का भी वीडियो हमने बनाया है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा, या आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उन सब वीडियोज को देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। फिर आए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक खनिज पदार्थ कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम, जिसका सिंबल होता है CA। तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ मिनरल्स पाया जाता है इसका नाम है कैल्शियम, जिसका सिंबल होता है CA, जो कि फ्रेंड्स दांतों में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स पृथ्वी पर जो है ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है।
फिर आए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। और फ्रेंड्स पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज्ड मत होइएगा। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल होता है Al। तो फ्रेंड्स पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु का नाम है एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है हम पीरियोडिक टेबल से संबंधित 55 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहा है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है कैपिटल H। तो सबसे हल्की गैस का नाम है हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स फिर आए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम, जिसका सिंबल होता है HE। तो फ्रेंड्स देखिए सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व का नाम है हीलियम। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 है कि कौन सा अधातु विद्युत का एकमात्र सुचालक होता है, तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। तो फ्रेंड्स ग्रेफाइट जो है एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का एकमात्र सुचालक होता है, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातु पाए जाते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कितने मेटल पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 91 मेटल्स। तो फ्रेंड्स देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो है कुल 91 धातु पाए जाते हैं। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अधातु पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 17। तो फ्रेंड्स देखिए इससे पहले क्वेश्चन आया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातु पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा 91। लेकिन अगर पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अधातु पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा 17। फिर फ्रेंड्स आए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा 7। तो देखिए फ्रेंड्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें धातु की संख्या है 91, अधातु की संख्या है 17 और उपधातु की संख्या है 7। तो फ्रेंड्स ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स फिर आइए हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है, तो इसका आंसर होगा रेडान, जिसका सिंबल होता है RE। तो फ्रेंड्स सबसे भारी अक्रिय गैस का नाम है रेडान, जिसका सिंबल होता है RE। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप साइंस से रिलेटिव किसी भी टाइप के क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं या किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग ट्रिकी मेथड से याद करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।